अभी जो ये कैमरा आएगा वो खूबसूरत मामू की खूबसूरत भांजी वो देखो हकीका हो रहा है ठीक तो करीब आओ करीब आओ, बातें सब सुन लेंगे, कान में बतानी है। ये बता लिफाफे कितने अभी तक, अबे इधर तो आ जा बता दो दे। नीला कुत्ता मेरे साथ है, सब ठीक है। नीला कुत्ता ब्लैक कुत्ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो भाई फाइनली आज जो है ना कहते हैं ना ईद वाला दिन, वो दिन आ चुका है और अभी जो है टाइम हो रहा है 7:30, नमाज का टाइम हो चुका है 7:45 बजे, ईद की नमाज़ है। अब ईद मुबारक तो अभी नहीं बोलेंगे ना, नमाज के बाद ही ईद मुबारक बोला जाएगा, ठीक है। नमाज के बाद ही ईद होती है, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा मस्जिद की, देखो भाई सारे लोग जाते हैं मस्जिद की तरफ और मस्जिद चलते हैं, मस्जिद जाके ईद की नमाज़ अदा करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर तुमने ताबी ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं करा हुआ जल्दी ताबी ब्लॉग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर दो, यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। चक फुल लगी पड़ी है मस्जिद, जबकि 15 मिनट है ऊपर से। आप सबको भी जो है ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे पता नहीं कि पानी पीते बार वो हो रहा है, अब रोज़ा रोज़ा वाली फीलिंग्स आ रही हैं। तो खैर अभी मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा आज रोज़ा नहीं है, बाकी आज जो है ना आज तो शैतान का रोज़ा, ठीक है। पूरे साल में सॉरी पूरे महीने शैतान का रोज़ा नहीं रखता है वो, क्योंकि हमारा रोज़ा होता है। कहते हैं कि ईद वाले दिन मेरा शैतान का रोज़ा होता है, तो आज हम जो है ना शैतान की फाड़ेंगे मिलकर, ठीक है। आज शैतान को खा पी के दिखाएंगे मज़े मज़े से। बाबा अरे भाई तुम आज चलो भाई घर में सबसे ईद मिल रही है, बाबा से मिल रही है, भाइयों से मिल रही है, अब जो है ना चलते हैं क्या कहते हैं कब्रिस्तान की तरफ। अच्छा अभी मैं जो चार्जू भी आ गया हमारे, चार्जू से ईद मिला हूँ मैं, अयान से मिला हूँ, लेकिन वो ऑफ कैमरा मिला, अभी मैं ऑन कैमरा ही मिलते हैं। सलामुअलैकुम ईद मुबारक। अबे यहाँ गले मिलो ये भी बताना पड़ रहा है, क्या हो गया यार, क्या हो गया हमारी कौम को। सलामुअलैकुम जयान भाई ईद मुबारक। नहीं नहीं गलत की अच्छी बात है, सही मिलो बिल्कुल। आप सब लोगों को ईद मुबारक, क्या लोग तो बना रहे हैं जी जी ब्लॉग जो खैर मुबारक, खैर मुबारक। कब्रिस्तान जा रहे हो? यही बस कब्रिस्तान ही जा रहा था साथ ही साथ, ठीक है जयान मिलते हैं फिर अपन। अरे सलाम वालेकुम, भाई चाचू भी सामने खड़े हैं, चाचू से मिलते हैं, ऑफ कैमरा वैसे मिल रही हूँ मैं, ऑन कैमरा मिल रहा हूँ, ठीक है भाई। ईद मुबारक, खुश रहो। मैसेज है बड़ों के लिए, इज्जत करो अपने पेरेंट्स की, इज्जत करो उन्हें, हमेशा खुश रखो, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की करेंगे। आमीन। सब बच्चों के लिए जो पैगाम है आप अपने चैनल के थ्रू आगे भी जाइए जी जी ज़रूर, ताकि शायद आपका चैनल देख के कुछ बच्चे रिस्पेक्ट करने लग जाए अपने पेरेंट्स की। सही, इसका आपको अल्लाह अजर दे। आमीन आमीन। अभी चलें दादी की तरफ, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। चलो बच्चों का रश लग गया, आप आएं चलें चलें चलें। गाड़ी है मेरे पास। अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा भाई ये सब्सक्राइबर हैं, आप सब्सक्राइबर हैं ना मेरे, आप भाई सब्सक्राइबर हैं मेरे बच्चे के, आपसे मिल लूँ मैं, मसला तो नहीं है, हैं? अबे झुकना पड़ रहा है यार बहुत ज़्यादा, अबे आगे मुड़ गए। आइए लावर भाई। वालेकुम अस्सलाम लावर भाई, हम दोबारा चल। तो अभी फाइनली यार कब्रिस्तान की रवानगी पर हैं, और साइड में तुम देखो ओए हो सारे बैंगलोर बने हुए हैं ना, बैंगलोर लाइन है पूरी, सारे बैंगलोर बने हुए हैं इधर जो है ना, मतलब मिनी मिनी बैंगलोर ये सारे, सामने झील का व्यू आता है, यहाँ पे काम चल रहा है अभी यहाँ पे, यही समझ में ये मेहर अली ओ भाई ये जो है मेन रोड है कब्रिस्तान वाला, रश देखो कितना है, और कसम से हमने कार गाड़ी भी जो है काफ़ी पीछे पार्क करी, क्योंकि रश की वजह से आगे जगह ही नहीं है बिल्कुल निकलने की, देख रहे हो
अल्लाह अकबर कितना रश है। वरना ये रोड तो वो है, इस रोड पे रात भर सन्नाटा होता है, दिन भर सन्नाटा होता है, लेकिन अभी इतना रश हो रहा है कि बस। सो भाई फाइनल यार फातिहा वगैरह से फ्री हो गए यार, इतना ज़्यादा रश हो रहा है ना, बड़ी मुश्किल से निकल के गाड़ी तक पहुंच गए। और ऐसा बाकी चलते हैं घर पे, तो चाचू आ जाएं, बाबा आ जाएं, बाकी सब आ जाएं, बैठते हैं सीधा घर की तरफ चलते हैं। बाकी जो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूं थोड़ी देर में, क्योंकि जब भी घर जाके तो अपना आराम आराम कर लेंगे, या अब के पास भी जाना है, तो देखते हैं मैं तुमसे कब मिलता हूं। 15 मिनट्स लेटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाथ छुपो, हाथ छुपो, माशाल्लाह। तेरे से 6 मिलूंगा फिर। पीछे से ही मिलूंगा। पीछे से क्यों मिलेगा, क्या पागल हो गया? कपड़े चेक करना। चेक कर ले, घूम जाओ, घूम गया। अच्छा कपड़े लेके चल रहा है, चलो। फुल माहौल बना हुआ है यहाँ तो। इधर बैठी हैं, मैं तो लेटूंगा, टेंशन ना लें। रमजान चलेगा। आप टोपी उतार के जो है ना, मतलब गर्मी लग रही है ना आपको? हाँ हाँ गर्मी। बनियान आपने पहनी है? हाँ बेटा, ये सब डालूंगा तो देखो काटूंगा कुछ नहीं। बच्चा ये सब जाएगा, देख रहा अक्कल आंटी जो भी देख रहे, देख लो घर का तो क्या है। चलो भाई यहाँ पे जो थोड़े से ये दिन मिल लिए। अब जो यार मैं हमारे में कब्रिस्तान से मांग रहे हैं, मैं बताऊँ कब्रिस्तान से आने के बाद थोड़ा घर पे गया, थोड़ा काम वाम करो, उसके बाद मैं यहाँ गया। बाकी यार गर्मी हो रही है, टोपी उतार रही, डर मत जाना, बाल देख के। बाकी नीला कुत्ता मेरे साथ है, सब ठीक है। नीला कुत्ता, ब्लैक कुत्ता। तो अब आपसे मिलते थोड़ी देर बाद, ठीक है भाई? Many hours later. हाँ तो भाई कुछ घंटा बाद दोबारा से वापसी। यार अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी जाना है एक जगह हकीके में, पता नहीं किसका हकीका है, मुझे नहीं पता। अबरार को वालों को इनवाइट आया हुआ, तो अबरार ने कहा भाई टेंशन नहीं है, तू भी आता, खाएंगे साथ में, बताएंगे। तो अभी चलते हैं सिर्फ हकीके में। बाकी बालों को पता नहीं मेरे क्या हो गया है, जब से पूरे महीने टोपी लगा के रखी है ना, ये बाल मेरे बीच में रास्ता बन गया है, आधे उधर गिर जाते हैं, आधे उधर गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने सबको इस तरफ करा हुआ है। तो अभी चलते हैं हकीके की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या सेटअप है क्या नहीं। बाकी यार शैतान कुत्ते को खाना खा के दिखाएंगे, हैं कुत्ते आज खाना खा के दिखाएंगे तेरे कंपनी में, तेरा रोजा है। तो चलते हैं सीधा हॉल की तरफ। फाइनली मुफ्ती की लोकेशन में पहुँच चुके हैं, ठीक है। बाकी अबरार यार पहले बात बताइए, अल्फाज हकीका होता है या अकीका होता है? अकीका। जोर से बोल। अभी लिखा हुआ नाम लिख रहा था ना, सही करा दे। क्या है? अकीका। अकीका, अकीका हो रहा है लाला। तो सब चलते हैं हकीके में अंदर और देखते हैं भाई क्या सेटअप है क्या नहीं। भाई खाने का हम इंतजार करें, जब तक जो है ना ब्रांड ने कहा कि मैं एक शेर सुनाता हूँ, एक या दो तीन शेर सुनाता हूँ, तो इससे हम शेर सुनते हैं। हाँ भाई अर्ज करें, थोड़ा करीब आ जाए, करीब 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 तशरीफ ले आए। मदनी भाई नहीं, थोड़ी सी और यार, थोड़ा हाथ चला लेना। अच्छा थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलियो। शायर कहता है, शायर कहता है, क्यों कहता है, क्यों कहता है? पागल कैसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं, पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। मेरे काम तो खुदा करता है, तेरे काम वैसे हो जाते हैं। ख्वाबों में आने का धंधा करते हो, ख्वाबों में आने का धंधा करते हो, बता पैसे कितने हो जाते हैं। अर्ज किया साईं, गुनाह करके सहूलत है तोबा करने की, गुनाह करके सहूलत है तोबा करने की, यही सोच के लोग खराब हो जाते हैं। हाय 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 हाय, यही सोच के लोग खराब हो जाते हैं। एंड कर दिया। तुमने छोड़ा था ना आदतन मुझको, हाँ हाँ तुमने छोड़ा था ना आदतन मुझको, हाँ अब मुशक्कत करो कमाओ मुझको। एंड कर दिया। तुमने छोड़ा था आदतन मुझको, अब मुशक्कत करो कमाओ मुझको। एंड कर दिया। ठीक है भाई, अभी जिसके इवेंट में आया ना वो मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये बच्चा है जिसका निकाह हुआ है, ठीक है। क्या अकीका हुआ है? अच्छा अच्छा अकीका हुआ है भाई, मुबारक हो अकीका आपको, बहुत बहुत अकीके को है ना, अकीको मुबारक हो, ठीक है। ये बच्चा बग्गी में बैठ गया है ना, बग्गी में, ये बग्गी में आ गया, टकर 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 टकर। बाकी अभी बता देते, करीब आओ करीब आओ, बातें सब सुन लेंगे, कान में बतानी है। ये बता लिफाफे कितने अभी तक? अभी इधर तो आ जा, बता दो दे। अरे ये क्या बात है, तैयार कहाँ से हो आप? कौन से? ये फातिमा पार्लर से, फातिमा पार्लर से नहीं, पांच नंबर बिस्मा ब्यूटी पार्लर। अच्छा बिस्मा ब्यूटी पार्लर तैयार करती है? हाँ नहीं अच्छा, बिस्मा छोटी ब्यूटी पार्लर है ना। अंकल यहाँ मंगाया था, मंगाया था अंकल, तो गुस्से में नहीं आ रहा मीठा। तो भाई हम फटाफट से खाना निपटाते हैं, एक प्लेट मंगा लो, कहाँ से मंगा लेते हैं एक प्लेट? हाँ तहा एक प्लेट मीठा ला दो यार, माजरा तुम्हारा इवेंट है, तुमसे मंगवा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई मसला नहीं चलता। बच्चा बल्ला यार क्या चीज़ है भाई, फटाफट से खाना खाते हैं, आप लोग भी खाना खा के मिलते हैं। अभी जो ये कैमरा आएगा वो खूबसूरत मामू की खूबसूरत भांजी, वो देखो।
भाई खूबसूरत भांजी तो है लेकिन खूबसूरत मामू नहीं। मामू अच्छे हैं आपके हैं? मैं मुंह फेर लिया तेरे को, बोल लिया खूबसूरत डर गए मर दिया। नहीं भाई वो सन्नाटे में बोल लिया कौन से मामू कहाँ के मामू यार, इसकी तबीयत सही नहीं है मसला ये। हाँ हाँ बात नहीं करी, वो आइसक्रीम से बात करती है सिर्फ। अच्छा अच्छा, वैसे जो है ना अबरार की भांजी ये है, बाकी दो है वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है बिस्किट चलो, ये खूबसूरत इसलिए क्योंकि मामू इनका खूबसूरत है, छोटा है ना मामू। अलहमदुलिल्लाह गुजारी हो गई यार। रात को मैं जो इवेंट में सागर था और आके जो है मैं थोड़ा सा मामू की तरफ गई, वहाँ से फिर वगैरह होके मैं अभी घर पर आया थोड़ी देर पहले, मतलब फजर से पहले आया और फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। और अभी जो सुबह हो चुकी है तुम देख सकते हो, देख रहे हो बिल्कुल मॉर्निंग हो चुकी है। और अब जो इस व्लॉग का यहाँ पर एंड करते हैं, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब मस्त। बाकी यार आज का व्लॉग जो है ना वो सिर्फ इसमें गुजर गया, सबसे ईद मिलने के चक्कर में जा रहे हैं यार। ईद है तो सबसे ईद ही मिलेंगे। और हमारी जेंट्स की तो ये रूटीन होती है, सुबह उठना, नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज़ पढ़ने के साथ ही जो है कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान से आने के बाद अपना हल्ला गुल्ला कर लिया थोड़ा बहुत, बस ऐसी रूटीन होती है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाकी जो सब्सक्राइब करके तभी ब्लॉग्स का हिस्सा बन जाओ, तभी गैंग का हिस्सा बन जाओ जल्दी जल्दी से। और बाकी पिक्चर जो है ना वो इंस्टाग्राम पर मौजूद है, इंस्टाग्राम पर जाकर जल्दी से फटाफट देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाय बाय।